पार्टी न तो संविधान से चलती है न परंपरा से चलती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सवाल ये उठाना चाहिए कि गैस कितना महंगा हुआ, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, डीजल कितना महंगा हुआ, क्या महंगाई की मार पड़ी है, कितना सरसों तेल महंगा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हल्की बातें करके सदन के जो की जो गरिमा है उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है बिहार में, और बिहार में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो आप जरा वहाँ आवाज़ उठा के दिखाइए, नीतीश कुमार जी कान पकड़ के बाहर कर देंगे। हल्की बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश है और ये संविधान में कहा गया है। कोई मैं अपने मन से या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उन लोगों ने एक संविधान बनाया और संविधान में ये प्रावधान रखा है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, हर बात में राजनीति हो ये जरूरी नहीं है। और इस तरह से हमें लगता है कि जहर घोलने का जो समाज में काम कर रहे हैं ये लोग, ये ठीक नहीं है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और हम समझते हैं जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उनको ये पता होना चाहिए कि विधानसभा जब बना तो आप कहाँ थे, आपके समय कार्यकाल में बना है, आपके पूरा दिशा निर्देश पर एक एक पिलर वहाँ खड़ा हुआ है, और आप हनुमान मंदिर जी की बात कर रहे हैं तो कहाँ मना है। तमाम आप पुलिस थानों में देखिए हनुमान मंदिर हमारे थानों में है कि नहीं है। तो आप सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान मत दीजिए, इस तरह की नफरत की बातें मत फैलाइए। सदन 4 दिन के लिए है, सदन में तमाम जनहित के मुद्दे उठाइए, कहीं कोई बात है और बात कहिए तो ठीक लगता है, महंगाई पर बात कीजिए और किसानों के लिए बात कीजिए, उनका ऋण अगर माफी नहीं हुआ है, किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड नहीं मिला है उसकी बात कीजिए, क्योंकि इन लोगों के पास ये कहने की जगह नहीं है कि राशन कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड हम लोगों के समय में 15 लाख राशन कार्ड देने की बात है और 9 लाख दे चुके हैं हम, तो कहीं ना कहीं इन बातों से वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं और दूसरी बात रख करके समाज में जहर घोलना चाहते हैं। और एक ध्रुवीकरण जो उनका पुराना स्टाइल रहा है वो यहाँ से मैसेज उत्तर प्रदेश तक देना चाहते हैं, हालांकि इससे कुछ बनने वाला नहीं है, वहाँ भी लोग त्रस्त हैं, यहाँ भी इनको त्रस्त, यहाँ भी इनके नीतियों से त्रस्त है, और उसी का परिणाम था कि वो सत्ता से सड़क पर आ गए।